विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा असंभव चीजें भी संभव हो सकती है। हम अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करें। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास करना है प्रभु के वचनों के ऊपर, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के भवन में आके सेवा करनी है, प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं दूसरा राजा 4:8 में, यहाँ पे अलीशा नबी के बारे में जिक्र किया गया है। सो अलीशा नबी जो था वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर की सेवा करता था, परमेश्वर के कार्य को करता था। एक दिन वो जा रहा था और उसे एक स्त्री मिली जो कि एक सुनामी स्त्री थी। ये जो औरत थी ये एक बाइबल ऐसा कहती है कि वह एक कुलीन स्त्री थी, मतलब ये बहुत ज्यादा रिच थी, बहुत ज्यादा अमीर औरत थी। इसने अलीशा से रिक्वेस्ट की कि ये इसके घर में आए। जब अलीशा इस औरत के घर में गया, इस औरत ने अलीशा की बहुत सेवा की, अच्छा खाना परोसा, उसकी सेवा की और अलीशा को ये बहुत अच्छा लगा। ये औरत जानती नहीं थी अलीशा कौन थे, बस इसने ये देखा कि ये एक भविष्यवक्ता है। अलीशा का ड्रेस कोड देखा उसने, उस टाइम पे जो भविष्यवक्ता थे उनकी एक अलग तरह की ड्रेस होती थी। इसने ड्रेस कोड देखा और इसे लगा ये प्रभु का दास है। इस औरत ने इसे अपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया और इस औरत ने अलीशा की बहुत सेवा की। फिर धीरे धीरे जब भी अलीशा उस नगर से गुजरता था तो अलीशा जो था इस स्त्री के घर में रुकता था। ये औरत अलीशा की बहुत सेवा करती जब भी वो आता। एक दिन इस स्त्री ने अपने पति से कहा भी जो अलीशा नबी है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है। इसके आने से हमें बहुत शांति मिलती है, इसके आने से हमें बहुत बरकत मिलती है, क्यों ना हम अलीशा के लिए कुछ और सुविधा प्रोवाइड करें। इनका जो घर था ये सिंगल घर में था, ये बहुत अमीर थी, ये रिच थी। इसने अपने पति से बोला क्यों ना हम डबल स्टोरी बनाएं, अलीशा के लिए कमरा बना दें ताकि जब भी अलीशा नबी यहां से गुजरे सिर्फ वो रोटी ना खाए, वो हमारे घर में रेस्ट भी करे। तो ये स्त्री क्या करती है, ये जो सुनेमी स्त्री है, युक्लीन स्त्री है, जो एक अमीर औरत है, ये अपने पति के साथ मिलकर अलीशा के लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा तैयार करती है। फिर ये अपने पति से बोलती है अलीशा को आराम करने के लिए यहाँ पे चारपाई भी लगा कर दे। वो चारपाई लगाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, अच्छे से वो अलीशा नबी की जो देखभाल करने के लिए वहां पे वो सारी सभी जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, उन सभी चीजों को वहां पे वो जो प्रोवाइड करते हैं। ये चीजें जब अलीशा नबी ने देखी तो अलीशा नबी को बहुत खुशी हुई भी। देखो पहले तो ये
जो स्त्री है ये सिर्फ मुझे रोटी खिलाते थे, पानी पिलाते थे, मेरी सेवा करते थे, और आज तो इस स्त्री ने मेरे लिए कमरा ही बना दिया। ये कितनी भली स्त्री है, ये कितनी अच्छी स्त्री है। तब अलीशा के मन में एक विचार आया, मुझे भी इस औरत के लिए कुछ करना चाहिए। कितने सुन रहे हैं मुझे, जब आप परमेश्वर के दासों के लिए कुछ करते हो, आप उनकी सेवा करते हो बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, तो परमेश्वर के दास भी ये सोचते हैं कि मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उनके मन में ये ख्याल आता है, मैं एक बच्ची को देखती हूँ, वो हमारे चर्च में सेवा करती है, हर बुधवार को वो अकेली भी हर बुधवार को चर्च में आती है, हर बुधवार को। मैं बाकी भी सेवादारों को देखती हूँ, कोई जिम्मेवारी लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है, परंतु मैं उस बच्चे को देखती हूँ और मैं उसने मुझसे कभी नहीं बोला। यहाँ तक कि ये दो तीन बच्चियां ऐसी हैं हमारे चर्च में, अगर इनके पास किराया नहीं होगा, कितना किराया लगता है, 10 या 15 रुपए, तो ये कभी मुझसे पैसे नहीं मांगेगी कि हमारे पास किराया नहीं और हमने घर जाना, कभी नहीं मांगेगी। आज तक भी इन बच्चियों ने कभी पैसे नहीं मांगे मुझसे कि हमें किराया, हमें हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमने घर जाना है, कभी नहीं। तो एक दिन ये लोग बाहर खड़ी थी, मुझे पता चला इनके पर्स में पैसे नहीं थे और ये लोग पैदल चल रही थी, पैदल जाने के लिए तैयार थे। जब आप परमेश्वर के दासों की सेवा करते हो बिना स्वार्थ, बिना मतलब, और कई ऐसे भी हैं वो एक छोटा सा काम करने के लिए 10 गुना ज्यादा मांगते भी हैं, बोल देते हैं इतने पैसे दे दो जी सनू, इतने पैसे दो जी। और कोई ऐसे भी हैं, अगर वो 10 रुपए की चीज भी लेकर आते हैं, वो फटाफट बोलते हैं पैसे लियो अंदर। तो ये सेवा कर रही है, और मेरे मन में एक दिन विचार आया उस बच्चे के लिए कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अकेले, मुझे किसी ने नहीं कहा आकर कि ये करो, आप वो करो, इसके लिए ऐसा करो, या उसने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए ऐसा कर दो। मेरे खुद के मन में विचार आया कि एक बच्चा, एक छोटे से बच्ची, देखो कितनी सेवा कर रही है, बिना स्वार्थ सेवा करती है वो, बिना किसी के किसी को दिखाए वो रेगुलरली उस काम को कर रही है, तो मुझे इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने ये मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे की स्टडी का जो बोझ उठाऊंगी और आने वाले जो समय में मैं इसको नर्सिंग की ट्रेनिंग करूंगी। हालेलुया, चाहे मेरा जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए, पर मैंने ये मेरे दिल में खुद में जो फीलिंग आई कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको 3 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग कराऊंगी और मैं इसको इसके पैरों पे खड़ा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने अपने परमेश्वर के दासों के लिए सेवा करते हो और बिना स्वार्थ के करते हो, तो उनके अंदर भी फीलिंग आती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। अलीशा के दिल में भी आया, अरे देखो मैंने इस औरत को कभी कुछ नहीं दिया, ना इसने कभी मुझसे प्रार्थना करवाई, ना इसने कभी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, पर ये औरत मेरी इतनी सेवा कर रही है, ये इतना कुछ मेरे लिए कर रही है। देखो पहले ये खाना खिलाती थी, अब इसने मेरे लिए अपने घर में कमरा बनवा के मुझे दे दिया, चारपाई लगा दी है मेरे लिए, मुझे रेस्ट करने के लिए अच्छा सा बिस्तर दे दिया है, मुझे इस औरत के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने असिस्टेंट से बोला, जो उसका चेला था, जो उसके साथ रहता था, गेहाजी था उसका नाम, उसने बोला गेहाजी उस औरत को बुला के लेके आओ मेरे सामने। वो उस औरत के पास गया, उसने कहा परमेश्वर का दास आपको बुला रहा है। उसने उस औरत से कहा आप घर में जाके इस वचन को पूरा पढ़ना। उस औरत से अलीशा ने कहा तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बहुत अमीर थी, पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी। उसने कहा इसके पास तो पैसा भी बहुत है, मैं क्या दूं इसको। पर जो गिहाजी था वो
उसका असिस्टेंट था और वो बहुत ज्यादा लोगों की अच्छे से जो नॉलेज रखता था। उसने जानकारी निकाल ली कि ये औरत और इसका पति ये दोनों बहुत अमीर है, परंतु इनके घर में एक चीज की कमी है, इनके घर में बेटा नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, इस स्त्री ने जब अलीशा को अपने घर में बुलाया तो इस औरत ने नहीं कहा अलीशा मेरे घर में बेटा नहीं है, मुझे ब्लेस कर और मुझे बेटा दे। आज हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का कुछ काम करने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, प्रभु दे दास साडा आ कम कर दे, साडा ओ कम कर दे, सानू आ दे दे, परंतु ये औरत निस्वार्थ होकर ये परमेश्वर की दास की सेवा करती और बताती भी नहीं है कि मेरे पास बेटा नहीं है। गेहाजी ने बताया, गेहाजी बोलता है अलीशा गुरुजी जी जो स्त्री है ना इसके घर में बेटा नहीं है। कितने मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर बहुत ज्यादा महान है, परमेश्वर बहुत ज्यादा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है दूसरा अज़ा 4 उसके 14 वचन में, फिर उसने कहा तो इसके लिए यही किया जाए। गेहाजी ने उत्तर दिया निश्चय इसके इसके कोई लड़का नहीं है और इसका पति अब बूढ़ा हो चुका है। उसने कहा उसको बुला। जब उसने उसे बुलाया तब वे द्वार पे खड़ी थी, तब उसने कहा बसंत ऋतु में मैं दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को जन्म देगी। हालेलुया हालेलुया। और स्त्री ने कहा हे मेरे परमेश्वर के मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त ऐसा ही हो जैसा तूने कहा है। हालेलुया ऐसा ही हो जैसा तूने कहा, इस दासी को धोखा मत देना। ये औरत ने शायद इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि ये औरत का पति बूढ़ा था और निश्चय ये औरत भी बूढ़ी हो चुकी होगी। शायद यही कारण था कि उसने अलीशा को नहीं बोला कि मेरे घर में बेटा नहीं है, परंतु अलीशा के दिल में कुछ करने की इच्छा थी कि हाँ ये औरत इतनी सेवा करती है मैं इसको कुछ देना चाहता हूं। जब आप भी प्रभु के लिए प्यार करोगे, प्रभु के घर में आके सेवा करोगे, टेंट लगाओगे, दरिया बिछाओगे, बर्तन साफ करोगे, दुखी होकर कितनी मुश्किल से आप सामान उठा उठा कर चर्च में लेकर आओगे तो परमेश्वर देखेगा आपको। हालेलुया परमेश्वर देखेगा आपको, मुझे आमीन चाहिए आपका। परमेश्वर देखेगा आपको और परमेश्वर बोलेगा मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। आपने भी गवाही को सुना, हमारे चर्च की जो बेटी थी उसके उसका मोबाइल लॉक हो गया ना, उसके एग्जाम थे, नोट्स उसके अंदर थे। वो जानता था कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी सेवा करती है, समर्पित है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। अलीशा ने कहा मुझे गेहाजी से बोला गेहाजी मुझे कुछ करना है इस सलामी स्त्री के लिए, मुझे कुछ करना है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत भली है और मुझे इसे कुछ देना है। तब उसने बोला इसका पति बहुत बूढ़ा है, इसके घर में बेटा नहीं है। अलीशा ने कहा अगले ऋतु तू एक बेटे को जन्म देगी। जैसे अलीशा ने कहा था बाइबल कहती है वैसा ही हुआ और परमेश्वर ने इसे बेटा दिया। हालेलुया हालेलुया। याद रखो इस औरत ने मांगा नहीं, कितने सुन रहे हैं बोलो, इस औरत ने मांगा नहीं, सब बोलो, इस औरत ने बिना मांगे परमेश्वर ने इसको बेटा दिया। हालेलुया बिना मांगे, बूढ़े हो चुके हैं दोनों पति, बूढ़ा हो चुका है, बिना मांगे परमेश्वर ने इसकी सेवा को देख के इनकी घटी को पूरा किया। जरूरी नहीं तुसी मंगोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पाएगी, परमेश्वर तानू वैसे ही दे देगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर के प्रति सेवा करना कभी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। धूप में टेंट लगाते हो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सर्दियों में जब लोग अपने घरों में हीट लगा के सोते हैं,
आप तो 4 बजे चर्च में आगे टेंट लगाते हो, व्यर्थ नहीं है। यीशु आपको ब्लेस करेंगे, आमीन। यीशु आपको ब्लेस करेंगे, आमीन। हालेलुया। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर अपने आप आपको ब्लेस करेंगे। उस बच्ची ने जिसके लिए मैंने ये सोचा और मैं करने वाली हूँ, और मैं हो सकता है इसी अभी वो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, परंतु मैं इसी साल में उसके एडमिशन करवाने वाली हूँ, इसी साल में, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो होगा और मैं करने वाली हूँ यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। और मुझे पता है परमेश्वर हमारे चर्च में और दुगनी बरकत देने वाले हैं, और दुगना देंगे हमें, आमीन। हालेलुया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं तू पहला अपना तो सोच लो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, मदद करो उसकी, पहले खुद का तो सोचो। बोलती हूँ अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा हमें भी ब्लेस करें। जानते हो हम सबको दूसरों के दुआओं की जरूरत है, आमीन। कितने सुन रहे हैं, हम सबको किस चीज की जरूरत है? दुआओं की जरूरत है। निस्वार्थ होकर आप परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर थोड़ी मेहनत का फल नहीं रखेगा, आमीन। जो साडे जीवन च मुश्किल आती है असी विश्वास में बने रहना, असी घबराना नहीं है, आमीन बोलो सारे जन। जो इस औरत को बेटा मिल गया, देखो एक ना इन्हें मंगिया नहीं, बुढ़ी सी, पति बुढ़ा हो गया, निस्वार्थ होके दास की सेवा की, रब ने दी झोली भरती, इन बेटा पैदा और बच्चा वड्डा होया। जो इन्हें बेटा वड्डा होया तो ये बेटा जिहड़ा सी अपने पापा दे नाल काम कराने लग पे, काम कराते कराते एक दिन एक खेतां दे विच इहदा सिर चकरा गया। इन्हें अपने पिता नूं कहा, हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर पिता जी, और एक गिर गया। जो गिर गया बच्चा, तो पिता ने कहा कि इस बच्चे नूं चक के इहदी मां दे कोल लै जाओ। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इसके पापा को पता नहीं था, जो बच्चा था जब ये गिरा जमीन पे, ये बच्चा मर गया। आप सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? ये बच्चा मर गया। जब ये बच्चा मर गया तो इस स्त्री के पास जो नौकर थे बच्चे को लेकर आए, इस स्त्री ने अपने बच्चे को अपनी गोदी में लिटाया तो देखा बच्चा मर चुका है। जब मुश्किल आती है तो आपने घबराना नहीं। कितने जने सुन रहे हैं मुझे? हमारा फेथ टूट जाता है ना, इतने चिरा बाद आपने बच्चा देता, बुढ़ापे विच बच्चा देता, फिर भी वो भी मर गया। इन्हें सेवा की थी, अपने दास लिए ना कुछ किया, किसी काम नहीं आया, साडा नुकसान खो गया, साडा दिल घबरा जाता, डर जाता कि हाई असि इना कुछ कर दे रहे, सानू कुछ नहीं मिलिया। ये स्त्री जो थी, इसका जब बच्चा मर गया तो ये स्त्री टूट गई, ये रोई, ये झगड़ी किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इसलिए बोला, परमेश्वर मैंने मांगा नहीं था तुझसे, मैंने कब कहा था कि मुझे बेटा दे, जब तूने दिया था तो फिर तूने लिया क्यों मुझसे, क्यों लिया तूने मुझसे? ये स्त्री गुस्से में आई, परंतु इसने अपना विश्वास नहीं खोया। मैं बोल रही हूँ बिलीव इन गॉड, जब आप विश्वास करोगे तो चमत्कार को देखोगे। हालेलुया। ये औरत जो थी, इसने एक मन में एक बात ठान ली, ठीक है मांगा नहीं था, अब परमेश्वर ने दिया, अब मैं जाने नहीं दूंगी इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलती है अपने पति से जाकर, मैं अलीशा को मिलने जा रही हूं। पति को बताया नहीं इसने, मेरा बच्चा मर गया, छोड़नी में जाए, देखो इसका विश्वास कितना। कितने जन सुन रहे, ये रोई है अंदर अंदर अंदर, रोई है अपने खुदा के साथ, रोई है, झगड़ा किया इसने अपने परमेश्वर के साथ, झगड़ा किया। ये पीट पीट के, छाती पीट के लोगों को इकट्ठा नहीं करने लगी कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया।
ये परमेश्वर के आगे रोए, कहती मैंने मांगा नहीं था, तूने मुझे बिना मांगे दिया और अब तू मुझसे ये बेटा ले नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलती अब मैं जाके अलीशा से भी झगड़ा करती हूँ, तू क्यों मुझे ब्लेस करके गया था बच्चे के लिए, पहले प्रभु से लड़ी है फिर सोचती अब अलीशा के पास जाती हूँ। पति को नहीं बताया कि बेटा मर गया। देखो इस औरत की हिम्मत कितनी है, ये गोदी में उठाती है, अपने पति से बोलती है मैं जा रही हूँ अलीशा से मिलने। तो पति पूछता है आज तो कोई त्योहार का दिन भी नहीं है, तू क्यों जा रही है? तो अंदर देखे उस माँ के कितना दर्द है, बेटा मर चुका है, मुर्दा लेके जा रही है बिना किसी को बताए, बिना किसी अपने पति को कुछ भी बताए ये अलीशा की ओर निकल जाती है। हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे हो मुझे? कितने जन सुन रहे हैं? हालेलुया। ये अपने पति से बोल दिया मुझे जो जानवर है उस टाइम पे जो सवारी थी, ये गधे की सवारी करते थे, तो ये जो औरत है बाइबल में लिखा है 24 वचन में, तब उस स्त्री ने गधे पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा हाके चल, मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तो वे चलते चलते करबल पर्वत को परमेश्वर के भगत के निकट पहुंच गए। ये गधी के बच्चे पे काठी डाली, बैठ गई और सेवक को बोलती है कि तेज चलाना गधी के बच्चे को, जब तक मैं ना बोलूं तब तक रुकना नहीं, बस चलते जाना, जब फटाफट जल्दी जल्दी परमेश्वर के दास के पास पहुंचना चाहती है। और अभी ये दूरी होती है, अलीशा पर्वत से देखता, अलीशा बोलता है गेहाजी को, अरे वो तो सुनामी स्त्री आ रही है, वो जिसके घर में हम लोग जाते हैं, जो हमारी इतनी सेवा करती, क्या हो गया इसको, बेटे को लेकर आ रही है, ये सही तो है, ठीक तो है। फटाफट वो गेहाजी को भेजता है और ये स्त्री जो है गेहाजी पूछता है कुशल से तू है, ठीक ठाक है तू? देखो ये औरत गेहाजी को भी नहीं बताती कि मेरा बेटा मर चुका है। क्या आप एक बार तारीफ करेंगे परमेश्वर इस स्त्री के लिए जिसका विश्वास इतना बड़ा था। हालेलुया। ये व्याकुल नहीं हुई, ये रोई नहीं, ये डरी नहीं। जब गेहाजी ने पूछा तू कुशल से है, तेरा लड़का कुशल से है, तो ये क्या बोलती, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर बेटा मरा हुआ है। कदी के बच्चे पर लांद के लेके आई है अपने बच्चे को, गोदी में उठा के लेके जाती है मरे हुए बच्चे को, पति को नहीं बताती है, यहाँ तक अपने सेवक को भी नहीं बताती है कि मेरा बच्चा मर चुका है, गेहाजी को भी नहीं बताती है, परंतु अलीशा के पास हो जाती है। अलीशा को ये पता चल गया कि औरत आ रही है, अलीशा को भी नहीं पता चला कि इसका बच्चा मर चुका है। जानते हो कई बारी परमेश्वर हमसे बात कर लेते हैं, कई बारी परमेश्वर हमसे जब बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। अब ये अलीशा जो था इसको परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया हुआ था कि जो इज़राइल का राजा था, जब दुश्मन राजा उस पे अटैक करने की योजना बनाता था तो अलीशा को परमेश्वर पहले ही बता देता था और अलीशा फटाफट अपने राजे को जाके बताता, राजा उस जगह पे सिक्योरिटी टाइट करते, वहां पे विरोधी राजा अटैक करने वाला है। तो ये विरोधी देश का राजा था तो ये अपने लोगों पे शक करने लगा, उसने कहा मेरे जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं ये धोखेबाज हैं, कहता मैं अभी अंदर सीक्रेट प्लान बनाता हूँ और दूसरे देश के राजा को पहले ही पता चल जाता है। तो उसके सैनिकों ने कहा हे राजन, हमने तेरे साथ कोई हेरा फेरी नहीं की है, उस इज़राइल के राजा के पास एक ऐसा नबी है जिसका नाम अलीशा है, वो तेरे सोचने से पहले ही उसको परमेश्वर बता देता, उसके वो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, अभिषेक है, इतना पावरफुल है, अभी तू विचार करता है परमेश्वर का आत्मा उसके दिमाग में उसी टाइम तेरी जो मन की बातें उसको पता चल जाती है, वो तुरंत जाके अपने राजा को बता देता है। इसको कहते हैं अभिषेक, एक बार परमेश्वर की तारीफ है। ये क्या है? अभिषेक। परंतु यहाँ पे
अलीशा को नहीं पता चला इस स्त्री का बेटा मरा हुआ है। ये स्त्री आई, किसी को नहीं बोली, पर अलीशा के पैरों पे सर रख के ये औरत रोने लगी। जब ये रोने लगी कि हाजी भाग के आ रहा, अरे क्या कर रही है तू, क्योंकि वो उसका असिस्टेंट था, सिक्योरिटी गार्ड था, क्योंकि अलीशा को कोई आम बंदा छू नहीं सकता था, अलीशा में इतनी पावर थी। अलीशा ने कहा वो दुख में है गेहाजी, मत उसे रो, वो कोई दुख लेके आई है, पर मुझे परमेश्वर बता नहीं रहे कि कौन सा दुख लेके आई है, पर इसके अंदर कोई दुख है। ये स्त्री अलीशा को बोलती है, परमेश्वर के दास, मैंने कब कहा था कि तू मुझे बेटे की आशीष दे, जब मैंने मांगा नहीं था तूने मुझे बेटा दिया, अब मेरा बेटा मर गया, अब तू बता मैं क्या करूं, ये मेरा बेटा है मरा हुआ, मैं तेरे पास लेके आया, तू आज जिंदा कर इसे जैसे मर्जी कर। कितने सुन रहे हैं मुझे, हालेलुया। उसने कहा आज मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मुझे बरकत नहीं देता, चाहे जो मर्जी कर ले। विश्वास था इसका। अलीशा ने कहा मत डर। उसने गेहाजी को बुलाया, उसने कहा गेहाजी ऐसा कर, ये ले मेरी लाठी और ये जाकर उस बच्चे के मुंह पे रख देना, बच्चा जिंदा हो जाएगा। और तो वो बोलता चल ठीक है, ये ले ले जा गेहाजी को भी, गेहाजी ये लाठी ले जा। गेहाजी ने लाठी पकड़ी, उस औरत को बोला चल तेरे घर में चलते हैं, औरत कहती नहीं मैं नहीं जाना, क्यों जाना, सुन रहे मैं क्या बोली, अलीशा तूने मुझे ब्लेस किया था, तूने मुझे ब्लेस किया था, तू मेरा बेटा जिंदा कर, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे दर को, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने कहा मुझे नहीं गेहाजी पे विश्वास है, मुझे नहीं लाठी पे विश्वास है, तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ। गेहाजी भागा भागा गया उस औरत के घर में, सर आप मुझे जाके उसने बेटे के ऊपर वो लाठी रख दी, पर बेटा नहीं उठा। कितने सुन रहे हैं मुझे, आप समझ रहे हो, बेटा नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मुर्दा था, मरा हुआ था। उसने औरत ने उस जगह पे उसको लिटाया हुआ था जहां पे अलीशा सोता था, पर बच्चा नहीं उठा। पर ये औरत ही इतना इतना विश्वास लगाए ने अलीशा ने छोड़ा, कहती जब तक मेरा बेटा जिंदा नहीं होता मैं तेरा दर नहीं छोड़ना, अलीशा तेनू आज बरकत देनी ही पैनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चल मेरे घर जाने छड़ी उन्हें अलीशा ने, क्योंकि वो जानती थी कि उसका विश्वास एक बड़े चमत्कार को खड़ा करेगा। आमीन ही सुना, आमीन 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 आमीन। तब वो बोलते चल मेरे घर में, अलीशा बोलता अरे मैंने गेहाजी को भेज दिया वो मार देगा, कहती नहीं तू चल, मुझे नहीं विश्वास किसी पर, तू चल मेरे साथ। तब अलीशा चलता है उसके साथ, और आगे बाइबल में ऐसा लिखा है जब अलीशा उस औरत के घर में गया तो वो उस बेटे के ऊपर लेट गया, उसने उसके मुंह में अपना मुंह रखा और अपनी सांसें जो थी उसने उस लड़के के अंदर फूंक दी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अलीशा की अनॉइंटिंग थी उसने वो अनॉइंटिंग जब उस लड़के के ऊपर रिलीज की तो वो मुर्दा लड़का उठकर खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अलीशा का घर और इस स्त्री का घर काफी दूर था, आने जाने में न जाने कितने घंटे बीत गए, कितने घंटों का मरा हुआ मुर्दा। जब अलीशा ने अपनी अनॉइंटिंग उसके ऊपर रिलीज की तो उसी टाइम वो बच्चा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आपने घबराना नहीं है, जब मुश्किल आ जाती है तो आपने प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़ लेना। आज जब गेहाजी गया है ना तो लड़का जिंदा नहीं हुआ तो स्वार्थ का विश्वास टूट जाना चाहिए था, टूटा नहीं, कहते तू चल।
अलीशा को क्या बोलती है? तू चल। हम बोलेंगे यीशु मसीह को, तू चल मेरे साथ। तू कार्य यीशु मसीह, ये कार्य यीशु मसीह, ये कार्य यीशु मसीह, ये होना चाहिए यीशु मसीह, और मैं बोलती हूँ वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हो मुझे? मैं अपनी खराब घर की चीजें यीशु मसीह प्रार्थना करके उन्हें मैं बोल देती थी प्रभु ये चलनी चाहिए, और वो चल पड़ती थी। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर चमत्कार करे। जब आप बोलते ना ना मशीनरी है कि अभिषेक ना ठीक हो जाने, यदि वास्तव मैकेनिक छिड़ता है, ये मैकेनिक दे कोल ले जानी पड़ेगी, ये डॉक्टरी इलाज है, यदि वास्तव डॉक्टर चाहिदा है, यदि वास्तव यीशु नहीं चाहिदा, ते डॉक्टर दे कोल राम होना तो अनु फिर यीशु दे कोल तो नहीं आएगा। पर जब तुसी कहने नहीं यीशु दे कोल आएगा, ते फिर यीशु की चिंता करेगा। तड़ा आमीन चाहिदा। आमीन। ਜਰਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਾਸਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੇਨ। 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 ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਟਾਂਗ ਕਾਟਨੀ ਥੀ, ਤੋ ਜਬ ਇਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਥਾ, ਤਬ ਤੂਨੇ ਇਸਕੀ ਟਾਂਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਟੀ? ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਝੇ ਇਹ ਔਰਤ, ਜਦ ਉਸ ਔਰਤ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਬ ਹੁਆ, ਜਬ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਭਵਨ ਮੇਂ ਥੀ, ਕਿਤਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਥੀ ਚਰਚ ਮੇਂ ਥੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬੇਟੇ ਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋ ਚਰਚ ਮੇਂ ਥੀ। ਤੁਰੰਤ ਜਬ ਬਚਨ ਖਤਮ ਹੁਆ ਸੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਹੈ, ਵੋ ਰੋਈ ਵੋ ਗਿੜਗਿੜਾਈ। ਚਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਵੋ ਬੈਡ ਪੇ ਹੈ, ਬੈਡ ਪੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਵੋ ਚਲਨੇ ਲਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਕਹਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਟਾਂਗ ਕਾਟਨੀ ਥੀ, ਤੋ ਤੁਝੇ ਆਜ ਸੇ 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੀ ਟਾਂਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਾਟ ਦੇਣੀ ਥੀ, ਜਬ ਉਸਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਥਾ। ਅਬ 26 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਂਗ ਕਾਟ ਕੇ ਪੜ ਗਏ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅਨਹੈਪੀ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋਗੇ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਸਾ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਥਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਔਰ ਵੋ ਚੀਕਤਾ ਥਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਸਕੀ ਟਾਂਗ ਕਾਟਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਮੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਨਜ਼ਰੇ ਮਿਲਾਉਂਗੀ ਉਸਸੇ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸਕਾ, ਉਸਕੀ ਉਸਕੀ ਆਖੋ ਕੇ ਆਸੂ, ਉਸਕਾ ਵੋ ਦਰਦ, ਉਸਕਾ ਵੋ ਰੋਣਾ, ਉਸਕਾ ਵੋ ਚੀਕਣਾ, मुझे नहीं भूला था, और मैं उससे उसका सामना नहीं कर सकती थी, और मैंने कहा परमेश्वर मैं उस औरत का कभी सामना नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता, जो मर्जी कर, ये इन्फेक्शन खत्म होनी चाहिए और ये टांग बचनी चाहिए। और 3 दिन बाद डॉक्टर बोलता है इन्फेक्शन खत्म हो चुके, अब इस बच्चे की टांग काटनी नहीं पड़ेगी, और वो बच्चा अब चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें, पकड़ लो परमेश्वर को।
मुश्किल है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, घबराना नहीं है मेरा और आपका यीशु कुछ भी करने की सामर्थ रखता है, कुछ भी कर सकता है। आमीन, 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 आमीन। बस बोल दो कि मुझे बरकत लेनी है और बस मुझे बरकत लेनी है ना। जब आप विश्वास करोगे तो चमत्कार होगा। जैसे ये भाई जिसका हाथ हाथ पे टंके लगे हुए ना, उसने क्या बोला था, मुझे परमेश्वर ढोलकी प्ले करनी, कुछ भी कर, कैसे भी कर, मेरे हाथ को छोड़। तीसरे हफ्ते प्रभु ने चंगा कर दिया कि ढोलकी प्ले करने का। हालेलुया। और कितने टंके लगे हैं आपके हाथ पे? आठ। आठ टंके लगे हैं बंदे के, और वो भी इस जगह पे, यहाँ पे, जो बिल्कुल बहुत मेजर पार्ट है हमारे शरीर का। तीन हफ्तों में ये बंदा, इसका हाथ काम करना शुरू हो गया है, नसें दोबारा से चलनी शुरू हो गई। एक बार ताली बजाओ परमेश्वर की तारीफ कर जोर से। मैं बोल रही हूँ घबराओ मत, विश्वास और फेथ में बने रहो। आमीन। अगर आप में यूनाइटिंग होगी तो मुर्दे जिंदा होंगे यीशु के नाम में। आमीन। अगर आप में यूनाइटिंग होगी तो आप बड़े बड़े चमत्कारों को पैदा करोगे यीशु के नाम में। आमीन। आप अभिषेक को रिलीज करोगे, अभिषेक काम करेगा। आमीन। 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 आज बोलो प्रभु यीशु मसीह से, जैसे तूने उस स्त्री को, उस सुनामी स्त्री को जैसे ब्लेस किया, सेम वे से मुझे भी ब्लेस कर दे। आज वो चमत्कार मुझे भी लेना है। आज मुझे भी मेरे घर में वो ब्लेसिंग चाहिए। आज मुझे भी वो आशीष चाहिए। आज मुझे भी वो बरकत चाहिए। आज मुझे भी वो अनाइटिंग चाहिए प्रभु। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ कैंसर चाहेगा यीशु मसीह के नाम में। कैंसर चाहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी किडनी दोबारा फिर से चंगी होगी, आपका लीवर चंगा होगा, आपकी यूट्रस चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। डरना नहीं है, बस एक दृढ़ विश्वास कि मैं प्रभु दे कोलों बरकत लेनी है। एक गल का दस दवा, एक गल दस के मैं वचन खत्म करूंगी। जिन्हें अज मैनू देख रहे ने, सुन रहे ने, सारे जने सुन लो, यीशु मसीह के बिना कोई चंगा नहीं कर सकता है। सुन रहे आप मुझे? यीशु मसीह के बिना कोई आपको ब्लेस नहीं कर सकता है। इस धरती पे एक ही नाम है, यीशु नाम, जो आज भी मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों की आंखें खुलती है, अंधे बोलने शुरू हो जाते हैं, जन्म के जन्म के जन्म के जन्म के जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, जो अंधे हैं वो देखते हैं यीशु के पावर के द्वारा। आमीन। बड़ी जिंदगी की किताब बदल जाएगी, बड़ी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिन्हें निराश ने, दुखी ने, तोड़ के देख लो तुम्हारी, दौड़ जो, फिर आना पड़ा यीशु मसीह के कोल। आमीन। सुनी देख लो, दौड़ के देख लो, जो मसले हल होंगे दौड़ के। मसले नु हल करने वाला एक का, उदा नाम जीसस, यीशु नाम है। आमीन। 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 चमत्कार ओदे द्वारा होंगे, मेडिकल ओदे द्वारा होंगे। आमीन। जे तेरा विश्वास है तो यीशु काम करेगा। आमीन। आमीन। फिर फौजां दी फौज तुहाडे आण के आले दुआले खड़ी हो चुकी। असि पिछले दिनां तो काफी ज्यादा प्रेयर दे विच आ प्रार्थना कर रहे सीगे, तां परमेश्वर ने मैनूं दिखाया, पहले भी दूत सीगे पर हुण परमेश्वर ने दूतां दी गिनती होर वधाती। आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना च देखिया तां मैं गल कर रही सी अपने जो स्पिरिचुअल बेटे नूं दस रही सी कि आर्मी जिहड़ी है, कमांडर्स ने जिहड़े परमेश्वर दे, ओह होर ज्यादा दुगने तिगने वध गए ने। हालेलुया। परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया तेरे दुश्मन ज्यादा वध गए ने, इस करके हुण तेनूं फोर्स भी ज्यादा दित्ती गई है। तुहाडा आमीन चाहीदा है। आमीन। आमीन। मैं संसार दी सिक्योरिटी ते बिलीव नहीं करदी, मैं परमेश्वर दे दूतां दी सिक्योरिटी ते बिलीव करदी, क्योंकि मेरी प्रार्थना इन्नी ज्यादा है। मैं अपने घर तो चलन तो पहला ही मैनूं पता लग जाता कि मेरे नाल किन्ने दूत चल रहे। इसे करके मैं पर्सनल सिक्योरिटी नहीं रख रही। मैनूं पता जितन मैं सिक्योरिटी ले ली उतन परमेश्वर दे दूतां ने चल जाना। उन्हें कहना
ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲਾ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਨਫ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਮੇਨ 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 ਆਮੇਨ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਦੂਤ ਦਿਖਾਏ। ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੂਤ ਨੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਰਕੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਓ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੀ। ਵੱਜ ਵੁੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਨੋ ਮੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਵੱਜੇਗੀ, ਟੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਵਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਵਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨੀ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਮੈਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿ ਦੇਰ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਜਲਸ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ? ਯੈਸ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰ ਦੇਵੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਜੀ